नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारतीय रेलवे की छोटी सी लापरवाही की वजह से ट्रेनें किस तरह से कितनी देर हो सकती हैं, आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ उदाहरण दूंगा दोस्तों। एक ट्रेन 4 साल बाद अपने गंतव्य पे पहुंची। ऐसा क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती है और ऐसे में भारतीय रेलवे क्या करता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, असल में जिस दूरी को तय करने में ट्रेनों को 42 घंटे लगभग लगते हैं, उस दूरी को तय करने के लिए भारतीय रेलवे की एक रेलवे को 4 साल लग गए। हुआ ये कि वह ट्रेन 2014 में विशाखापट्टनम से चली और उसे गोरखपुर पहुंचना था, लेकिन वह 2018 में अपने गंतव्य पर पहुंची। यह ट्रेन करीब 1275 दिन लेट पहुंची। दोस्तों, असल में हुआ ये कि 2014 में विशाखापट्टनम से खाद लेकर चला रेलवे का वैगन लगभग 4 साल बाद बस्ती पहुंचा। जब यह बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो अधिकारियों में खलबली मच गई। वैगन में लगभग 10 लाख से ऊपर का माल था, लेकिन उसका मालिक कौन है यह किसी को पता नहीं था। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तब जाकर सब कुछ पता चला। 4 साल में जो लापता हुआ था वैगन, उसका 50% से ज्यादा खाद बेकार हो चुका था। विशाखापट्टनम से बस्ती रेलवे स्टेशन की दूरी 1,326 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने में मात्र 42 घंटे 13 मिनट लगते हैं। लेकिन वैगन ने लेट लतीफी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बस्ती पहुंचने में लगभग 3.5 साल से ज्यादा लगा दिया। हालांकि रेलवे ने सफाई दी और उसने बताया कि ट्रेन का डब्बा थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए उसे बीच रास्ते में ही यार्ड में भेज दिया गया। जब यह यार्ड में पहुंचा तो यहाँ रिपेयर करने का काम बहुत धीमा हुआ और इतना धीमा हुआ कि वो वहाँ पर खड़ा ही रह गया लगभग 3 साल तक। उसके बाद जब इसकी खोज खबर ली गई तो इसे आगे बढ़ाया गया और इस पूरी प्रक्रिया में इसे अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन पर पहुँचने में लगभग 4 साल लग गए। दोस्तों, दूसरी घटना एकदम ताजी है और ये भी काफी मजेदार है। पश्चिम रेलवे के मुंबई स्थित वरसई रोड स्टेशन से 21 मई 2020 की शाम 7:20 पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन यह ट्रेन गोरखपुर के बजाय 23 मई को दोपहर ओडिशा के राउरकेला होते हुए झारखंड के गिरिडीह पहुंच गई। जबकि मुंबई से गोरखपुर का जो मार्ग है वो सीधा है और इस मार्ग में न ओडिशा पड़ता है और न ही झारखंड राज्य। इस संबंध में यात्रियों को मार्ग परिवर्तन की कोई जानकारी भी नहीं दी गई, जिसके चलते यात्रियों की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाला और रेलवे की इस गलती को एक्सपोज किया। हालात को देखते हुए रेलवे ने सफाई दी। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता रविंद्र भाकर ने एक बयान जारी कर बताया कि सीधे रूट पर भीड़ के कारण रेलवे बोर्ड ने वसई रोड, उधना, सूरत, वलसाड़, अंकेश्वर, कोंकण रेलवे से चलने वाली ट्रेनों को बिलासपुर, झारगुसाड़, राउरकेला के रास्ते बिहार भेजने का फैसला किया है। श्रमिक विशेष ट्रेनें बिना टाइम टेबल के चल रही हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को इटारसी होकर भेजा जा रहा है। इस कारण इटारसी रूट पर बोझ और बढ़ गया है, इसलिए इटारसी जंक्शन पर एक तरह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण से कुछ ट्रेनों के रूट को बदला जा रहा है। रेलवे ने बताया कि अगर नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उस समय ट्रेनों को खड़ा करने से अच्छा यही होता है कि थोड़ा लंबा रूट लेकर उन्हें तेजी से पहुंचाया जाए। यह हमारा एक सिंपल प्रोटोकॉल है जिसका हमें पालन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ ट्रेनों को हमको डाइवर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे ने देखा है कि अगर वो एक ही रूट पर ट्रेनों को लगातार चलाती रहे तो जाम की स्थिति की वजह से ट्रेनें अपने गंतव्य पे बहुत देर से पहुंचती हैं। ऐसे में रूट डाइवर्जन एक बेस्ट रास्ता है, जिससे ट्रेनों को लेट ही सही लेकिन काफी हद तक जल्दी पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रेलवे की एक छोटी सी मानवीय गलती के कारण
किस तरह से ट्रेनें इतनी लेट हो जाती हैं। दोस्तों आप भी अगर किसी ट्रेन में बैठे हो और वो काफी लेट हो गई हो तो उसका अनुभव आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।